अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 4 है इंग्लिश ए का। उसमें मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने पहले कर लिए हैं, सिर्फ मैं एक एक दफ़ा रिपीट करती जाऊंगी और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफयान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम मुस्लिम एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉर गेव हिम बट ऑल्सो हॉनर्ड हिम बाई डिक्लेयरिंग इमेंसिटी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड हजरत अंस बिन मालिक से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका आंसर है, हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स बाय अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और आई डिड। व्हाई डज कासम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। इसका आंसर है, कासिम्स अंकल थिंक्स दैट आर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन। इसका आंसर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपकी सहूलत के लिए इसे रिपीट कर रही हूँ। द पोइट हैज़ यूज द वर्ड पेंटेड ओशन टू शो दैट द शिप वॉज मोशनलेस एंड एवरी थिंग वॉज स्टक लाइक एन ऑब्जेक्ट इन अ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ योर हॉबी। ये आपको मैं क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में करवा चुकी हूँ। माई हॉबी इज़ टू कलेक्टिंग कॉइन्स। आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी अपना मशगला लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड व्हाई। रिजवान लाइक रॉक्स बेस्ट इन द एग्जीबिशन बिकॉज हिज हॉबी वॉज टू कलेक्ट रॉक्स। अब आप देखिए, आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। पहला आपके पास है टॉलरेट, तो इसका जो नाउन बनेगा वो होगा टॉलरेंस, टॉलरेट टॉलरेंस। दूसरा आपके पास है प्रैक्टिसाइज, तो इसका बनेगा प्रैक्टिस। थर्ड वर्ड है आपका कंकर, तो इसका जो नाउन होगा वो होगा कंक्वेस्ट, कंकर कंक्वेस्ट। फोर्थ वर्ड है आपका डिस्ट्रॉय, तो इसका जो नाउन बनेगा वो है डिस्ट्रक्शन। फिफ्थ आपके पास है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो नाउन बनेगा वो होगा ऑब्जेक्शन। आगे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्टूडेंट्स इनको देखिएगा। पहली है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, तो यहाँ आएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस, तो यहाँ आएगा मॉडल। साथ साथ लिख देती हूँ आपकी सहूलत के लिए, टॉलरेंस मॉडल। वी डैश एंड एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे, हैव वॉच्ड, हैव वॉच्ड। नेक्स्ट है आपके पास ही डैश टू बुक्स इन दिस ईयर, तो यहां पे आएगा हैज रॉट, हैज रॉट। नेक्स्ट है आपके पास माई फ्रेंड डैश सिंस 3 o'clock हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग। नेक्स्ट है आई डैश एट द टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग, हैव बीन सिटिंग, हैव बीन सिटिंग। नेक्स्ट आपके पास व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर। वन हु टीचेस, कौन हमें पढ़ाता है, टीचर, यहाँ पे आएगा टीचर। नेक्स्ट है वन हु बायस, बायर। नेक्स्ट है आपके पास वन हु सेल्स, सेलर। वन हु एक्ट्स, एक्टर, एक्टर। वन हु प्लेज, प्लेयर। नेक्स्ट है वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, सिंगर। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु चैलेंजेस, चैलेंजर। वन हु रीड्स, रीडर। वन हु लाइज, लायर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ,
तो काइंडली बोर्ड को ज़रा गौर से देखिएगा और साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई और जो आपका क्वेश्चन नंबर जी है वो मैं आपको बुक पर करवाऊंगी। आप क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिएगा प्लीज़। मैच द हॉबी टू द राइट पर्सन, यानी कि जो हमने चैप्टर नंबर फोर पढ़ा था इन एग्जीबिशन लेक्चर नंबर टू में, वहाँ के अकॉर्डिंग जो बच्चों की हॉबीज थी, उन्होंने अपनी जमात में अपनी अपनी मुश्किलें बताए थे, उनको मैच करना है। सलीम लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स। रिजवान लाइक्स टू कलेक्ट रॉक्स। सादिक लाइक्स टू कलेक्ट पिक्चर्स। काशिफ सिस्टर लाइक्स टू कलेक्ट डॉल्स। असलम लाइक्स टू कलेक्ट सी शेल्स। आसिफ लाइक्स टू कलेक्ट कॉइन्स। शिराज लाइक्स टू कलेक्ट पोस्टकार्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर ई और जी दोनों में आपको बोर्ड पर करवाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये आज का हमारा लेक्चर नंबर फोर रिव्यू एक्सरसाइज वन से लेकर फोर तक है और क्वेश्चन नंबर आपका ई है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये सेंटेंसेज आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करने ही आपकी बुक पर है, मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिख दिए हैं और इनको साथ साथ नोट कीजिएगा। असलम वर्कड हार्ड टू कम्प्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। आगे नेगेटिव सेंटेंस है आपका, असलम डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे आपने ईडी लगाया था, लेकिन आप ये देखें कि डिड ऑलरेडी आपकी डू और डज की सेकेंड फॉर्म होती है, तो एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए आप डिड लगाएंगे जब, तो साथ ईडी नहीं लगेगा। वर्क हार्ड टू कम्प्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव देखिएगा, डिड असलम वर्क हार्ड टू कम्प्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन मार्क ही शो करेगा कि वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट देखिएगा, ही सोल्ड मैंगोज। नेगेटिव देखिएगा, ही डिड नॉट सेल मैंगोज। इंट्रोगेटिव देखिएगा, डिड ही सेल मैंगोज। एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस देखिएगा, नुमान रोट अ बुक। इसका नेगेटिव है, नुमान डिड नॉट राइट अ बुक। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखिएगा, डिड नुमान राइट अ बुक। और एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, ही फाउट ब्रेवली। ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, डिड ही फाइट ब्रेवली। लास्ट सेंटेंस है आपका, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस। इसका नेगेटिव है, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस। इंट्रोगेटिव देखिएगा, डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस। स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपीज पर उतारने हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर जी करवाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज नंबर जी हम बोर्ड पर करेंगे। चेंज द नरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहले ही लेक्चर नंबर थ्री में जो है वो नरेशंस के बारे में बता दिया गया है कि किसको किस में और किस तरह चेंज करना है, तो उन्हीं रूल्स का ख्याल रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं इनको चेंज कर रही हूँ। आप साथ साथ देखते जाइएगा और कॉपी पर नोट करते जाइएगा। कासिम सेड, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई। तो इसका आंसर है, वो मैंने हाईलाइटेड इसलिए किया ताकि आपको याद रहे। कासिम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपका दैट आएगा। तो चूंकि आई है यानी कि मेल है, तो ही हैड, हैव को हैड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई। नेक्स्ट है आपका, अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस जो है ना, ये डायरेक्ट है, इसको हमने इनडायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं है, तो क्योंकि वो डायरेक्ट है इसलिए। अब जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना पड़ेगा। अंकल सेड टू मी, वहां पे हमने दैट लिखा, तो दैट की जगह आपके वही बात है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह ही दैट आता है, तो दैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। थर्ड सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट, कासिम सेज आई एम हैप्पी दैट माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी। आंसर देखिएगा, कासिम टेल्स, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, ही इज हैप्पी दैट हिज ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अंकल सेड हाउ इज योर मदर नाउ। स्टूडेंट्स देखिएगा, अंकल आस्क, क्योंकि अंकल ने बात पूछी है ना, तो सेट की जगह आस्क आ जाएगा। हाउ आपका यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते। हाउ माई मदर वॉज देन, नाउ की जगह आपका देन आ जाएगा। लास्ट देखिएगा स्टूडेंट्स,
कासिम से शी इज फाइन, कासिम टेल्स दैट शी इज फाइन नाउ। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ और इसको साथ साथ कॉपीज पे भी कीजिएगा और साथ साथ याद भी करके आइएगा ताकि जब आप स्टूडेंट स्कूल वापस आएँ तो हम आपका काम साथ साथ चेक करें। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा, कासिम सेज शी इज फाइन नाउ, कासिम टेल्स दैट शी इज फाइन देन। नाउ को आप देन में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट करवा दिया है, आपने साथ साथ इसको कॉपीज पर भी लिखना है और साथ साथ लर्न भी करना है ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपका सारा काम जो है वो चेक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।